नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेशनल कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इससे पहले गाइस एक नोटिफिकेशन है, हमने जो सेकंड चैनल हमारा NCERT केमिस्ट्री, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए एंड उस चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम हुआ करती है केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि इसके ऊपर हम स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है इसके ऊपर लाइव नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू यहाँ पे आ गया है। तो शाम को एक लाइव स्ट्रीम हम करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपने इस वीडियो में कितने कमेंट्स किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है लाइव हम जो भी टेस्ट पेपर्स हैं वो अपलोड करें, तो आप हमें कमेंट कीजिए कि उसके ऊपर आप लाइव ज़रूर आइए। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम आपके लिए टॉपिक्स लेके आए हैं, वो है हमारे पास ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इससे प्रीवियस में हमने स्टार्ट किया था आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1952 में आया था एंड इसके चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ओके, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमारे पास आई थी 1955 में। इन व्यू ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेटअप ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये कब बनी थी आपके पास? ये बनी थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। इट्स चीफ फंक्शन आर द रिव्यू पीरियडिकली द प्रोग्रेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इनका काम था सेकेंडरी एजुकेशन का रिव्यू करना कि किस तरह से वो काम कर रही है एंड पूरी इंडिया में, एंड टू सर्व एज अ बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस एजुकेशनिस्ट for the purpose of advising the state and the central government on the improvement and the expansion of secondary education in all its phases। और उन्हें पूरा का पूरा ये ब्यौरा देखना कि किस तरह से जो है सही तरीके से काम चल रहा है या नहीं, या उसमें कोई चेंजेस करने हैं। तो ये सारा का सारा जो है इस पॉलिसी के अंडर आ रहा था। न्यू पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने जो है एक न्यू पैटर्न भी बताया फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर हेल्ड इन, तो सेकेंडरी एजुकेशन या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कब बने थे आपके पास? 1955 में। कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड आफ्टर मच डिलीवरेशन रिकमेंडेशन ऑफ ए पैटर्न एजुकेशन वुड बी कंप्राइज्ड। और इसमें कुछ रिकमेंडेशन आपके पास दी गई, वो क्या थी? 8 ईयर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी 8 साल तक एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद 3 ईयर ऑफ हाइयर सेकेंडरी एजुकेशन विद डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एंड 3 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और 3 साल की जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कही गई लीडिंग टू द फर्स्ट ईयर फर्स्ट डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड लॉन्च इट ऑल ओवर कंट्री, और इसे एक्सेप्ट किया गया एंड पूरे के पूरे इंडिया में जो है इसे अप्लाई किया गया। कंसिक्वेंसिल हाई स्कूल्स वर कन्वर्टेड इन टू हाई सेकेंडरी स्कूल्स फॉर 3 ईयर कोर्सेज एंड 3 ईयर डिग्री कोर्सेज वर इंट्रोड्यूस इन द यूनिवर्सिटी। द पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, एंड ये जो है आपके पास एक कॉन्ट्रोवर्सी का सब्जेक्ट फॉर्म हो गया। मैनी परफॉर्मेंस द ओल्ड पैटर्न ऑफ हाई स्कूल, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल पैटर्न ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स केम इन टू द एग्जिस्टेंस इन सम स्टेजेस। आफ्टर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस द टोटल नंबर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स आर 5571 इन 17312। हाउएवर मल्टीपल पर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड एजुकेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमनिटीज एंड साइंस इंक्लूडिंग कॉमर्स क्राफ्ट होम साइंस फाइन आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। इन 1965 द नंबर ऑफ मल्टीपल पर्पज हायर स्कूल्स आर वाज हाईएस्ट स्कूल्स वाज 3775। ग्रेट एम्फेसिस वाज लेड ऑन द टीचर्स या टीचिंग ऑफ साइंस एट द सेकेंडरी स्टेजेस। अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द सेकेंडरी एजुकेशन हैज बीन अडॉप्टेड ऑफ द पीपल्स मदर टंग एंड रिलीजन लैंग्वेज इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहा था? मदर टंग हो गई, रिलीजन लैंग्वेज हो गई आपकी, एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी रिलीजन लैंग्वेज एंड मदर टंग। तो ये कुछ इसके रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कब आई थी, इन्होंने थोड़ी बहुत क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो ये आपके पास आई थी 1955 में एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद हमारे पास आता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। सेकेंडरी के बाद एलिमेंट्री के ऊपर काम हुआ, तो एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास आई थी 1957 में। तो आइए जानते हैं इसमें आपके पास क्या हुआ था।
What the progress in the field of primary education has been very slow due to various cases. अब इन्होंने देखा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर तो काम हो गया, बट जो प्राइमरी एजुकेशन है वो काफ़ी स्लो चली हुई थी, तो इसीलिए उसके ऊपर भी काम किया गया. द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 जुलाई 1957 ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू एक्सलेट द पेस ऑफ प्रोग्रेस टू फर्दर एंड फुली फिट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट आल्सो एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज ऑन ऑल मैटर प्रिटेंडिंग एन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड अ प्रोडक्ट लिटरेचर टू हेल्प ऑफिसर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द टीचर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. इट विल रिव्यू पीरियडिकली द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. एंड इन्होंने जो है प्राइमरी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया था. इन्होंने हर एक फील्ड में काम करने की कोशिश की. आइए जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने क्या क्या किया था. तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए थे. डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन की डेवलपमेंट किस तरह से हुई. इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट इन स्टेट हैज़ गिवन देयर अर्जेंट अटेंशन टू प्राइमरी एजुकेशन. अब गवर्नमेंट जो ने गवर्नमेंट ने पेन लेना शुरू कर दिया प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी. कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फाउंड अ पार्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी. अब प्राइमरी एजुकेशन जो है एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट बना दिया गया. एज ए रिजल्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स इंक्रीजेज कंस्टेबली इन 1947 द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल प्यूपल्स बाज 14 मिलियन. इट मल्टीप्लाइड एंड इंक्रीज टू 19 मिलियन इन 1951, 25 मिलियन इन 1956 एंड 35 मिलियन इन 1961 तक जो है आपके पास 35 मिलियन जो है वो प्राइमरी स्कूल कर दिए गए थे. एंड इन मिडल, तो मिडल जो है आपके पास 6 to 8 आया. द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज फ्रॉम 2 मिलियन टू 4.3 मिलियंस इन 1956 एंड 6.7 मिलियन इन 1961. तो सॉरी, ये स्टूडेंट्स से रिलेटेड 35 मिलियन स्टूडेंट जो है 1961 में कर दिए गए थे प्राइमरी में रिलेटेड. एंड 61 तक जो है वो 8th तक जो है आपके पास 6.7 मिलियन स्टूडेंट्स हो चुके थे. 5 ईयर प्लान provided good stimulus to non-government agencies and local bodies to develop primary education. And जो 5 year plan जो है वो provide किया गया था non-government agencies को and local bodies को, वो काफ़ी helpful रहा. In the meanwhile, the increasing population intensified the demand for primary education. बट जो population थी वो काफ़ी increase होती चली, जिसके according इसकी demand और ज़्यादा बढ़ती चली. Consequently, the number of school going child increasing. और बच्चे जो school जाने के उनकी जनसंख्या थी वो भी तेजी से बढ़ती चली, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली. इन द मेन व्हाइल द प्राइमरी स्कूल अंडर बेसिक एजुकेशन डज नॉट प्रोवाइड प्रूव प्रैक्टिकल द बेसिक स्कूल थाउट साउंड इन थ्योरी डिड नॉट प्रोवाइड गुड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट एंड दे बिकम टारगेट ऑफ क्रिटिसिज्म. तो बट जो प्राइमरी स्कूल से बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाए एंड जिसकी वजह से जो है वो टारगेट में आ गए. जो भी वहाँ पे पॉलिसीज़ बनी कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा और पॉलिसीज़ बनाई गई, वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.